नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बार फिर से पुलिस वालों ने रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की और इस बार इनकी जमकर पिटाई भी हुई है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। जी हां, आपको बता दें, एनसीबी की टीम और सीबीआई की टीम लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस को सुलझाने की कोशिश कर रही है। और आपको बता दें, इस केस को सुलझाने में एनसीबी और सीबीआई की टीम लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन बावजूद इसके ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। और इसी वजह से सीबीआई की टीम अब रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी से एक बार फिर से पूछताछ करना चालू कर चुकी है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इसे देखने के बाद आपको पता चलने वाला है कि ना सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का केस अब सॉल्व होने वाला है, बल्कि इंसाफ हो जाएगा। और पता चलने वाला है कि सुशांत सिंह राजपूत को जिन लोगों ने खत्म किया, वो कहां से बिलोंग करते हैं और क्यों उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की टीम बहुत लंबे अरसे से सुशांत केस को सुलझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन फिर भी ये केस सुलझने की बजाय और उलझता गया। और इसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि जिन लोगों ने सुशांत को खत्म किया, उन्होंने बेहद ही शातिर तरीके से सुशांत को खत्म किया। सुशांत की बॉडी पर अगर निशान ना मिले होते तो शायद किसी को शक भी नहीं होता कि सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया गया है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पर मिले हुए निशान जीता जागता उदाहरण थे कि सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया गया है। और तो और, आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी बॉडी पर इंजेक्शन लगाए जाने के भी निशान लग रहे थे। इसे देखने के बाद तो तुरंत ही समझ गई थी सीबीआई की टीम की जरूर कुछ भी हो, सुशांत सिंह राजपूत को बहुत शातिर तरीके से खत्म किया गया है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलने वाला है कि कैसे सीबीआई की टीम अब अपने शक को बिल्कुल सियोरिटी में बदलने वाली है, क्योंकि अब रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी से एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है। और ये पूछताछ सीबीआई की टीम पीट पाट कर करने वाली है, यानी कि सीबीआई की टीम हर पैंतरा आजमाएगी कि कैसे भी करके सच उगलवा सके। इसलिए आप हमारी वीडियो को अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। आपको बता दें, सीबीआई की टीम सुशांत के केस को सुलझाने के लिए अब एक बार फिर से ना सिर्फ एनसीबी की टीम के साथ मिलकर बैठक कर रही है, बल्कि इसके लिए सीबीआई की टीम ने रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी को बुलाकर और पूछताछ करना भी शुरू कर दिया है। और ये बैठक बहुत जल्द आप सभी देखेंगे कि अपने चरम पर होगी और इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का केस सोल्व होगा कैसे, इसके बारे में सीबीआई की टीम आगे एक्शन लेने वाली है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस को सुलझाने के लिए सीबीआई की टीम दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन फिर भी ये केस सुलझ नहीं पा रहा था। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी से ना सिर्फ जेल में बुलाकर और पूछताछ होगी, बल्कि इनको बताना ही होगा कि आखिर उस रात सुशांत के साथ क्या हुआ था और किन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया और इसके पीछे क्या वजह थी कि उन्होंने एक मासूम से एक्टर, जो कि गरीबी से लेकर अमीरी तक का सफर तय करता है और एक छोटे से घर से निकलकर बॉलीवुड का स्टार बनता है, उसको क्यों खत्म किया गया। क्या उसके पैसों पर इनकी नजरें थी या फिर वजह कुछ और थी। आने वाले दिनों में इसका खुलासा जरूर सीबीआई की टीम कर देगी और रिया चक्रवर्ती सिद्धार्थ पिठानी से पीट पीट कर सारा सच उगलवा लेगी कि सुशांत सिंह राजपूत को किन लोगों ने और क्यों खत्म किया है। तो यही था इस वीडियो में। आप सभी कमेंट करके बताना क्या आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी इस केस में बड़ा खुलासा करने वाले हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।